चालक तथा इसके गुणधर्म जो है वो अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और यहाँ पे अपन जो चालक पढ़ रहे हैं और इसके जो गुण पढ़ रहे हैं वो स्थिर आवेशों की कंडीशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके कुछ गुण होते हैं जो मैं तुम्हें गुण वन बाय वन बताता हूँ कि चालक किसे कहते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे अपन कि चालक क्या है, ठीक है। तो लिखो तुम चालक क्या है। तो चालक क्या है? चालक वे पदार्थ हैं, चालक को अंग्रेजी में कंडक्टर कहा जाता है, चालक वे पदार्थ हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो चालक के अंदर मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। देखो एक बात मैं तुम्हें बताऊं, आवेशों के आदान प्रदान का जो मुख्य कारण है वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है जो आवेशों की मतलब गति में सहायक होता है। मतलब कहते हैं ना, किसी को आवेश दे दिया मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। धन आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, ऋण आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन दे देना। तो आवेशों के प्रवाह का जो मुख्य स्रोत है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि ही धन आवेश या ऋण आवेश का कारण बनती है और जो चालक में इजीली हो जाती है। चालक की यही खास बात है। जैसे अपने लाइट के तार होते हैं, जो बिजली के तार होते हैं, ये सब क्या, ये चालक है। इनमें बहुत आसानी से मुक्त इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं, मतलब फ्री होते हैं चलने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन इन पदार्थों में। सामान्यतया जो जितनी भी धातुएं हैं वो चालक होते हैं। सामान्यतया जितनी भी धातु होती है वो सब चालक होती है, और खासकर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब डी ब्लॉक में जो आते हैं, जो बीच वाला सेगमेंट आता है ना आवर्त सारणी में, वो ज्यादातर जो बड़े परमाणु हैं वो ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो चालक है। जैसे कि तांबा है, तांबा एक अच्छा चालक है, चांदी ये एक अच्छा चालक है ना, एल्यूमिनियम है ये एक अच्छा चालक है, चांदी भी बहुत अच्छा चालक है, पर चांदी को ऐसे तार बना नहीं सकते ना, कितना महंगा पड़ जाएगा वो। तो इसलिए कॉपर के वायर आते हैं और एल्यूमिनियम के वायर आते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये एक अच्छे चालक हैं। ये भी सही, रिकॉर्ड भी कर देते हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होती है। जैसे मान लो मैं डायग्राम बना के समझा, मान लो कोई चालक बॉडी है तो जो विद्युत बल रेखाएं बनेगी वो इस तरह से बनेगी। जैसे यहां से अगर वो निकल रही है तो यहाँ पे लंबवत है, आगे चल के वो कहीं भी चली जाए पर यहाँ पे वो लंबवत होगी। जैसे इस जगह बनाऊंगा तो ये लंबवत, ये 90 डिग्री होगी, ठीक है। आगे चल के हो सकता है घूम जाए इधर, हो सकता है उधर घूम जाए कहीं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा इस तरह से बनेगी लंबवत, ठीक है, इस तरह से ये लंबवत बनेगी इस जगह पे। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा चालक की सतह के लंबवत, इस तरह से बनेगी। आगे चल के हो सकता है कर्व में चली जाए, पर उस पे जो स्पर्श रेखा बनाऊंगा कहाँ पे, सतह पर स्पर्श रेखा, तो वो परपेंडिकुलर बनेगी इसके विद्युत बल रेखा के। ये ऐसा क्यों होता है ये अपन बात करेंगे जब इनकी इसकी डिटेल में बात करेंगे ना, तब बात करेंगे अपन की ऐसा क्यों। तीसरा पॉइंट है कि चालक चालक की सतह, ठीक है, या पूरा चालक ये भी बोल सकते हो, सतह या पूरा चालक यानी कि पूरी बॉडी समविभव पृष्ठ होती है। सम विभव पृष्ठ पृष्ठ होती है, क्यों? क्योंकि विद्युत बल रेखा उसके लंबवत निकल रही है, इसलिए वो सम विभव पृष्ठ है। क्यों? क्योंकि विद्युत बल रेखाओं के लंबवत चलने पर विभव नहीं बदलता, है ना। अब वो लंबवत क्यों है बल रेखा, उसकी बात अपन करेंगे, सब्र रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आवेश हमेशा चालक की सतह पर होता है, ठीक है। आवेश हमेशा चालक की सतह पर होता है, ये भी समझाऊंगा क्यों होता है। जब चालक को भू संपर्कित यानी कि अर्थिंग जब करते हैं तो इसका विभव जीरो हो जाता है। जैसे मान लो कोई भी चालक है किसी भी शेप का, अगर मान लो मैं इसको अर्थिंग कर दूं, ये अर्थिंग का साइन होता है इस तरह से, तुमने देखा हो शायद, ये अर्थिंग का साइन होता है। तो अर्थिंग का साइन मतलब ये इसका विभव जीरो लेना, मतलब वो रेफरेंस हो गया। जब भी अपन अर्थिंग कर देंगे तो विभव जीरो, ठीक है, ये रेफरेंस है अपना, इसको याद रखना है, ठीक है। एक मिनट, जोड़ दिया अर्थिंग मतलब विभव जीरो, धरती से जोड़ दिया विभव जीरो, खत्म बात, है ना, वो अपना रेफरेंस लाइन हो गया, यूं समझ लो।
यदि दो चालकों को, जैसे मान लो ये कोई एक चालक है, ये मान लो कोई दूसरा चालक है, इस पर कुछ आवेश वगैरह होगा Q1, इस पर कुछ आवेश है मान लो Q2, इन दोनों को मान लो मैंने चालक तार से जोड़ दिया, ठीक है, इन दोनों को चालक तार से जोड़ दिया, तो इनमें आवेशों का लेन देन तब तक होगा जब तक कि इनका विभव समान नहीं हो जाता, क्योंकि विभवांतर ही आवेशों के प्रवाह का कारण है। क्यों? विभवांतर है मतलब विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है मतलब विद्युत बल है, विद्युत बल है मतलब आवेशों की गति है। विभवांतर जीरो, विद्युत क्षेत्र जीरो, विद्युत क्षेत्र जीरो, विद्युत बल जीरो, आवेशों का प्रवाह खत्म, ठीक है। तो जब तक विभवांतर होगा तब तक प्रवाह होगा, विभवांतर जीरो हुआ प्रवाह खत्म हो जाएगा, आवेश रुक जाएंगे, और आवेश के रुकने के बाद ही अपन इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। जब तक आवेश गति कर रहे हैं तब तक अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है। जोड़ने के पहले जब आवेश स्थिर है तब की बात करेंगे, जो भी एनालिसिस करेंगे तब की करेंगे। जोड़ा, जब आवेशों का प्रवाह हो रहा है ड्यूरिंग मोशन ऑफ चार्जेस, आवेशों की गति के दौरान, अपन यहां पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, गति के दौरान कोई बात नहीं करेंगे, है ना। कब बात करेंगे इसकी? जब ये वापिस रुक जाएगा, जब वापिस स्टेबल हो जाएगा, सब कुछ साम्य अवस्था वापिस आ जाएगी, तब बात की जाती है। स्थिर वैद्युतिकी में चालक के अंदर, ध्यान देना, कुल विद्युत क्षेत्र में लिख रहा हूं, वापिस कह रहा हूं मैं, कुल विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये पॉइंट्स जितने मैं बता रहा हूं सब याद रखना है। चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र जीरो होता है और चालक एक समविभव पिंड होता है, क्योंकि क्षेत्र जीरो है ना, इसलिए वो समविभव पिंड है। अब बात को सुनो, मान लो कि ये कोई चालक है, मान लो कि ये कोई चालक है, इस पर जीरो आवेश है। क्या है? जीरो आवेश। बात को समझना कि क्यों ऐसा होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मुक्त है, इसका मतलब ये नहीं कि ऋण आवेश है इस पर, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन मुन है, जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं उनके संगत प्रोटॉन भी है नाभिक में, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मतलब ऋण आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि जो होती है वो ऋण आवेश या धनावेश होते, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की रेंडम मोशन को यहां पे कंसिडर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एक लंबे समय अंतराल में इलेक्ट्रॉन की कुल गति जीरो बोली जा सकती है, इलेक्ट्रॉन का कुल विस्थापन जीरो बोल सकते हैं लंबे समय अंतराल के लिए। तो इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति को नगण्य माना गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मान लो कि एक बिंदु आवेश में कहीं से उठा के ले आता हूं, कहीं से, अभी कुछ भी नहीं था, एक बिंदु आवेश यहां पे लाके उठा के रख दिया, एक बिंदु आवेश को मान लो धन आवेश है, उसको लाके यहां पे रख दिया, तो ये जो बिंदु आवेश होगा वो क्या करेगा, इसके कारण बल रेखाएं बनेगी, इस तरह से देखो विद्युत क्षेत्र बनेगा, इस तरह से विद्युत क्षेत्र बनेगा, सिर्फ इसके कारण बना रहा हूं मैं, कुल नहीं बना रहा हूं अभी, सिर्फ इसके कारण ये विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब ये जो विद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि इसके जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉनों को किस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, देखो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पे थे उनका जमावड़ा कहां पे होगा। अब जैसे मान लो कि कोई, हाँ जैसे मान लो कि यहां पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, उसकी यादृच्छिक गति को नगण्य मानते हुए यहां पे मान लो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन था, अब वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे बल किस तरफ लगेगा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पे बल किधर लगेगा, इस तरफ, ठीक है, यानी कि किस तरफ जाएगा वो, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, यहां तक खत्म, इसके आगे थोड़ी जा सकता है, सतह तक ही तो जा सकता है, ठीक। इसी तरह से यहां पे कोई मान लो इलेक्ट्रॉन है तो वो यहां आएगा सतह तक, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है तो यहां सतह तक आएगा, यहां कोई इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस तरफ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे ना वो किस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि यहाँ माइनस आवेश आ जाएगा, यहाँ माइनस आवेश आ जाएगा, यहाँ माइनस आवेश आ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो चुकी है, पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो पीछे की तरफ जो है,
यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ धनावेश हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ धनावेश हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ पे धनावेश हो गया। अब ऐसा होने से क्या हुआ, अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसके पीछे जो एक और इलेक्ट्रॉन था, ये तो आगे पहुंच गया, इसने इस ऐसा होने से क्या हुआ, एक रिवर्स विद्युत क्षेत्र डेवलप हुआ। देखो ये प्लस ये माइनस के कारण एक रिवर्स विद्युत क्षेत्र डेवलप हो गया यहाँ पे। इसके कारण तो कितना हो गया था इधर, इसके कारण इधर था, देखो ये हरे कलर में जो मैंने बनाया, और ये जो प्लस माइनस बना इसके कारण एक रिवर्स विद्युत क्षेत्र डेवलप हो गया, हुआ विपरीत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लग गया यहाँ पे। अब ये विपरीत जो विद्युत क्षेत्र हुआ है, ये जो विपरीत जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके कारण जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, वो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है, एक और जो था, एक तो वहां पहुंच गया मान लो यहाँ पे एक और है, उसके उसके ऊपर इस प्लस क्यू के कारण तो इधर बल लगेगा, एक बल तो इधर लगेगा और दूसरा बल लगेगा जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्रेरित विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब ये बताओ इन इलेक्ट्रॉनों की गति कब तक होगी, जब तक कि बाहरी विद्युत क्षेत्र ई बाह्य, बाह्य विद्युत क्षेत्र जब तक प्रेरित विद्युत क्षेत्र के बराबर नहीं हो जाता, है ना। जैसे ही प्रेरित और ये बराबर हुए, अंदर नेट जीरो हो जाएगा वापस से, पहले जीरो था, पहले जीरो था, फिर इस प्लस क्यू को लाए, इस प्लस क्यू को लाने से यहां पे प्रेरण हुआ, प्रेरण होने के कारण प्रेरित विद्युत क्षेत्र आया, वो प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत आया, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जब स्थिर वैद्युत कंडीशन आ चुकी होगी तब इस चालक में अंदर विद्युत क्षेत्र वापस जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र प्रेरित विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जो पहले रैंडम मोशन थी, जो यादृच्छिक गति थी उनकी, वो मतलब हो जाएगी और उसको अपन ने कंसिडर किया ही नहीं, यानी कि वापस सब स्टेबल हो गया, इस कारण से ऐसा होता है। अब अगर मान लो इस चालक पे कुल आवेश अगर होता भी सही तो भी यही खेल होता, और आवेश सतह पे ही क्यों है ये भी समझो, आवेश हमेशा सतह पे ही क्यों है देखना, इसको भी समझाता हूं, इसको क्लीन कर रहा हूं मैं। जैसे मान लो कि कोई चालक है, मान लो कि कोई चालक है, ये कोई चालक मैंने बनाया और इसमें जो कुछ रैंडम इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, उनकी अपन बात नहीं कर रहे क्योंकि उनके संगत धनावेश भी है, उनकी यादृच्छिक गति को नगण्य कर दिया अपन ने, है ना। मान लो कि मैं इसमें से कुछ इसको और इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, यानी कि कुछ ऋणावेश और देने मैंने इसको दे दिए, तो वो एक्सेस जो ऋणावेश आया, अतिरिक्त जो ऋणावेश आया जो इसको दिया है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सपोज करो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये एक और इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इस दूसरे पे पॉइंट्स ही बना लेते हैं, दो पॉइंट बना लेते हैं रेड कलर में। जैसे मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सिस इलेक्ट्रॉन जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया है उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे पे बल लगाएंगे ना, प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे तो दूर जाएंगे, तो अधिकतम दूर कहां तक जा सकते हैं, सतह तक। ये अधिकतम दूर कहां तक चल जाएगा, सतह तक, बात समझ रहे हो, है ना। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ अतिरिक्त नेगेटिव चार्ज या अतिरिक्त पॉजिटिव चार्ज दे भी दूंगा, पॉजिटिव मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को खींच के निकाल लिए, जैसे मान लो प्लस प्लस भी होता तो भी वो एक दूसरे से दूर भागते, प्रतिकर्षण हो रहा है ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम दूर जाना चाहेंगे, तो दूर से दूर क्या होगा, सतह, सतह पे जम जाएंगे जाकर के वो, ठीक है, और वापिस से स्टेबिलिटी इस तरह से आ जाएगी कि अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाए, क्योंकि अंदर तब तक मोशन होगी जब तक कि विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं हो जाता, जब तक कि वो जो रैंडम है, क्योंकि अगर विद्युत क्षेत्र है तो भागेगा वो सतह की तरफ, सतह की तरफ भागेगा तो प्रेरण होगा, प्रेरण के कारण वो बैलेंस होकर के सारा जीरो हो जाएगा। तो चालक में चाहे उस पर जीरो कुल आवेश हो, चाहे कुल धन आवेश हो, चाहे कुल ऋण आवेश हो, उसमें हमेशा स्थिर वैद्युत कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टेटिक कंडीशन में, उसमें कुल विद्युत क्षेत्र हमेशा जीरो होगा, इस बात को रट लेना। घोंट, एक मिनट रुक जा,
एक खोखला गोला है, सवाल देखो, खोखला गोला, ठीक है, चालक जो खोखला भी हो सकता, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, उसमें दो सतह हो जाएगी, एक तो बाहर वाली और एक अंदर वाली, पर अभी अपन सतह की कोई बात नहीं कर रहे, अभी पूरे चालक की बात कर रहे। इस चालक के केंद्र पर, चालक के केंद्र पर मान लो कुल आवेश है Q, कुल आवेश कितना है Q, बिंदु आवेश, चालक के केंद्र पर बिंदु आवेश है Q के बराबर, ठीक है, और यहां से मान लेते हैं कि कुछ स्मॉल r दूरी पर एक और आवेश रखा हुआ है, मान लो कि वो है +Q, ठीक है, मान लो कि वो कितना है +Q। ये जो चालक है, चालक पर कुल आवेश 0 है, ठीक है, चालक पर कुल आवेश 0। देखो चालक में खोखला हो कि ठोस हो फर्क ही नहीं पड़ता, पता है क्यों? क्योंकि चालक के अंदर तो वैसे भी आवेश तो होता ही नहीं, मेटेरियल भरा हुआ भी होगा तो आवेश तो होगा ही नहीं, आवेश तो वैसे भी सतह सतह पे ही होता है, तो चालक के केस में ठोस गोला हो कि खोखला गोला हो फर्क पड़ता ही नहीं उसका, क्योंकि चालक ठोस गोला भी खोखले की भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है? क्योंकि ठोस गोले में भी आवेश तो सतह पे ही रहना है और खोखले गोले में भी आवेश सतह पे रहना है। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न सुनो, प्रश्न है कि Q के कारण बल ज्ञात करो, ठीक है, सोच समझ के उत्तर देना, तुम्हारा आंसर जो तुम, अच्छा हाँ एक चीज तो देना भूल ही गया, इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है, और कुल आवेश इस पर 0 है, गोले पर कोई आवेश नहीं है, खोखला गोला है, ठीक है, खोखला इसलिए ताकि अंदर उसके आवेश रख सको। इस +Q, इस रेड कलर में जो मैंने क्यू बनाया है, इस क्यू के कारण इस गोले पे इंडक्शन होगा, बिल्कुल होगा, माइनस वाला थोड़ा इधर इकट्ठा होगा, सतह सतह पे वैसे ही सतह है तो खोखला है, कोई टेंशन ही नहीं है, प्लस वाला इधर इकट्ठा होगा, तो इंडक्शन होने से, इंडक्शन कब तक होगा? जब तक कि वापिस यहां पे 0 ना बन जाए अंदर, अंदर इस +Q, और इस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इस +Q को, ये अंदर वाले Q को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और सपोज करो ये ठोस गोला है, सोचो कि ये ठोस गोला है, चालक है ये पूरा, ठीक है, और चालक जो ये है तो इसके अंदर तब तक गति होगी, कब तक गति होगी? जब तक कि यहां पे नेट विद्युत क्षेत्र अंदर 0 ना हो जाए, बिल्कुल यही बात है, इंडक्शन होगा इस +Q के कारण, इंडक्शन होगा यहां पे। पर एक बात मुझे ही बताओ कि अंदर की तरफ यहां पे जब अगर मैं मान लो +Q चार्ज रख दूं, तो इस +Q चार्ज पे, इस वाले +Q पे सिर्फ इसके कारण, ये तो चालक हो, कुचालक हो, सुचालक हो, अर्ध चालक हो, गोला कैसा भी हो, सिर्फ इस +Q के कारण इस +Q पर कितना बल लगेगा? यहां तो भाई इंडक्शन विंडक्शन सब हो गया, सब सब चल रहा है, पर इसके कारण इस पर कुल बल कितना आएगा? मैंने तो सिर्फ ये पूछा है, ठीक है, सिर्फ किसके कारण? Q के कारण, Q पर, बात को समझना, KQQ/r² यही कंसेप्ट सिखाना मैं तुम्हें चाह रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कुल पूछता तो कुल फिर भी मैं 0 उत्तर दे देता, कुल बल उस पे 0 है, परंतु अपन ने क्या पूछा है, इस +Q के कारण इस Q पर कुल 0 क्यों है? क्योंकि जितना इसके कारण लगेगा उतना ही इंडक्शन के कारण, सपोज करो ना, इसको सोचो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो छोटा क्यू है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन समझो, जो इसमें अंदर गति कर सकता है, तो गति अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ चुकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में तो ये 0 हो जाएगा कुल बल इस पे, तो कुल विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, परंतु सिर्फ +Q के कारण, यहां पे कितना है KQQ/r². अगर मैं पूछता कि इस गोले के कारण, ये जो गोला आया इसके कारण इंडक्शन होगा इस तरह से, इसके कारण कितना आएगा?
इंडक्शन के कारण उतना ही विपरीत आ जाएगा, यानी कि प्लस क्यू के कारण इधर लगा तो प्रेरण के कारण इधर लगा, क्यू पर कुल बल जीरो हो गया। बात समझ में आई? यहाँ पे एक गोला है, गोले में से गोले को काट के निकाला है, R2 त्रिज्या का गोला है, उसमें से R1 त्रिज्या का गोला काट के हटा दिया, तो जो बचा हुआ है मतलब मेटेरियल पदार्थ यहाँ यहाँ पे अपन यहाँ R1 और R2 के बीच में पदार्थ है, तो गोले की दो सतह बनेगी, एक तो अंदर वाली और एक बाहर वाली। ठीक है, ये जो गोला है खोखला टाइप से है, थोड़ा अंदर S1 है बाहर S2 है। गोले को कुल प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, गोले को कुल प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। दिया जाता है, ठीक है। प्रश्न अपना यह है कि S1 तथा S2 पर आवेश ज्ञात करो। क्योंकि चालक है तो आवेश तो सतह पे ही होना है, तो सतह S1 पे यानी कि जो इनर सरफेस है और बाहर जो सरफेस है उन दोनों पे आवेश बताना है। जब भी चालक में इस प्रकार का सवाल आएगा अपन क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और गॉसियन सरफेस बनाएंगे अपन चालक से गुजरती हुई, चालक में होनी चाहिए वो गॉसियन सरफेस। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, तो अगर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है तो E.dA into area जीरो। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र जीरो है, फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो है ना। देखो इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स जीरो है, कुल फ्लक्स जीरो है, कुल फ्लक्स जीरो है। अगर गॉसियन सरफेस से फ्लक्स जीरो है यानी कि मैं बोल सकता हूं कि फाई बराबर जीरो, फाई जीरो तो क्यू इन जीरो मतलब अब इस लाल सतह के अंदर कौन कौन हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे आवेश वितरित कर दिया अपन ने, मान लो अंदर वाली सतह पे आया क्यू आवेश तो बाहर वाली सतह पे क्यू माइनस क्यू आ गया, इस तरह से पट गया। ठीक है, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू इन जीरो, यानी कि क्यू तो जीरो हो गया, और बाहर वाला ये क्यू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी को मैं आवेश देता हूं तो आवेशों का वितरण पता लगाने के लिए इसे गॉसियन सरफेस बना लो, अंदर तो आ जाएगा शून्य आवेश और बाहर आ जाएगा प्लस क्यू। अब ये बताओ ये जो बाहर प्लस क्यू आया है उसका वितरण कैसा होगा, मतलब आवेश घनत्व जो बनेगा सिग्मा वो कैसा आएगा। ये बाहर प्लस क्यू आएगा ना, वापिस क्या बताऊं गॉसियन सरफेस बन गई, इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा, फाई। जो गॉसियन सरफेस बनाई है उससे फाई कितना आएगा, जीरो आएगा क्या? क्यों जीरो आएगा, क्योंकि ई जीरो है। ई क्यों जीरो है, क्योंकि अपन गॉसियन सरफेस कहां पे ले रहे हैं, चालक में ले रहे हैं, चालक में अपन ने सरफेस बनाई। गॉसियन सरफेस जीरो, फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो मतलब क्यू इन जीरो। अब q इन जीरो मतलब मान लो कि अंदर वाली सतह पे छोटा q आवेश है, बाहर वाली सतह पे कितना हो जाएगा, बड़ा q माइनस छोटा q आवेश, क्योंकि कुल कितना दिया था मैंने, कैपिटल q। अगर अंदर q है तो बाहर कितना हो जाएगा, q माइनस q। अब q इन तो जीरो है यानी कि स्मॉल q कितना है, जीरो है। स्मॉल q अगर जीरो है तो q माइनस q कितना हो जाएगा, बाहर q माइनस q कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। यानी कि अंदर की सतह पर आवेश तो आया जीरो और बाहर की सतह पर आवेश आया क्यू, तो जो प्लस क्यू आएगा ना वो इस पूरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्योंकि इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई है ही नहीं, सिमेट्री है, एक समान रूप से ये वितरित हो गया। अंदर तो आवेश है ही नहीं, मतलब यहां पे हवा भरो फाई जीरो क्यों होगा, तो फाइनल आंसर अपना ये है कि S1 जो सतह है उस पर तो आवेश आ जाएगा जीरो, और जो S2 सतह है उस पर आवेश आ जाएगा एक समान रूप से वितरित क्यू।
एक समान वितरित, ठीक है, एक समान। एक समान क्यों? क्योंकि यहां पे जो बाहरी पृष्ठ है ना, बाहरी पृष्ठ है उसके आसपास कोई आवेश नहीं है जो इसको डिस्टर्ब करे, ठीक है। यहां पे जैसे ये तो इसकी सतह पे था, ये तो सतह पे था, ये सब सतह पे थे, ठीक है, ये भी सतह, ये तो वैसे जीरो हो गया वैसे, ये तो ठीक है। अब मैं बात करूं कि ये जो बाहरी सरफेस है, बाहरी जो सरफेस है, इस बाहरी सरफेस पे, ये जो बाहर आउटर सरफेस है एस टू, इस एस टू पे एक समान वितरित पता है क्यों हुआ? क्योंकि सिमेट्री है, इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई है ही नहीं आसपास, नहीं है ना। देखो, पर अगर मान लो कि मैं यहां पे बाहर की तरफ मान लो कोई क्यू आवेश रख देता, सपोज करो मैंने यहां पे एक क्यू आवेश रख दिया, तो पता है क्या होता? ये क्यू आवेश, ये जो बाहर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बाहर वाला डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बाहर वाला जो वितरण है, उस वितरण को ये जो पॉजिटिव चार्जेज है इनको थोड़ा दूर भगाने की कोशिश करता, यानी कि अब इस तरफ घनत्व ज्यादा हो जाता, ये जो थे इधर वाले जो थे इसको रिपेल करता, तो ये इधर वालों को उधर भेजता, थोड़ा इधर वालों को उधर भेजता कि भाई उधर जाओ, मैं आ गया यहाँ पे, उधर जाओ, जैसे ये है तो उधर जाओ, तो आवेशों का वितरण असमान रूप से हो जाता, आवेशों का वितरण असमान हो जाता, इधर घनत्व कम होता, इस सतह पे घनत्व कम होता, इस सतह पे घनत्व ज्यादा, अंदर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, चालक के अंदर तो बल रेखाएं जाएगी ही नहीं, इसकी इसकी बल रेखाएं चालक के अंदर तो जानी नहीं है, मतलब नेट मिला जुला के। इसको पास लाने से पता है क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन वापिस उसी, क्योंकि गोशियन सरफेस अभी भी वही, अभी भी क्यू इन जीरो है, अंदर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अभी भी बाहर वाला आवेश जो होता है ना वो अंदर फर्क नहीं पड़ता उससे, बाहर वाले आवेश से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल प्रभाव जीरो होता है, बाहर वाले का अंदर कुल प्रभाव जीरो होता है, सिर्फ इसके कारण तो आएगा, इस अकेले के कारण आएगा, पर इसके कारण कुल अंदर प्रभाव जीरो पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगेन यहाँ पे जो है गोशियन सरफेस बनाओगे तो वो, खैर इसकी बात अपन कल और डिटेल में करेंगे, अभी तो बस ये स्टार्टिंग थी।